उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले इस्कॉन मंदिर के पीछे हुई हत्या के मामले में दो दिन बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अभी दो आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनको पुलिस की टीम जिले के बाहर भी तलाश रही है। एडिशनल SP अमरेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि दिनांक 6 अक्टूबर की रात्रि में इस्कॉन मंदिर के पीछे कुछ लोग शराब पी रहे थे। शराब पीते वक्त एक महिला मित्र के चक्कर में आपस में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि निर्मल पिता भरत सिंह राठौर, पिंटू बना उर्फ वीरेंद्र सिंह पिता भारत सिंह राठौर, सानू और कुलदीप पिता गणवत सिंह जादौन, अमन मालवीय और बुरा जायसवाल ने कुंदन गौड़ से मारपीट कर दी। कुंदन के पिता लक्ष्मण गौड़ भी बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपी ने पत्थर और पाइप से जमकर हमला कर दिया, जिससे कुंदन के पिता लक्ष्मण गौड़ की मौत हो गई थी। साथ ही कुंदन के भी सिर पर चोट आई थी। फरियादी कुंदन की रिपोर्ट पर थाना माधवनगर में अपराध दर्ज किया गया, जिसके चलते आज पुलिस ने मामले का पूरा खुलासा कर दिया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या है पूरा मामला और कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? दिनांक 6 तारीख की रात को भरतपुरी के पास में एक हत्या का मामला थाना माधवनगर के अंतर्गत घटित हुआ था, जिसमें पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए न केवल हत्या का मामला दर्ज किया, बल्कि बहुत ही शीघ्रता से जो हत्या करने वाले आरोपी हैं उनकी पहचान की गई और इसमें 302 के तहत 5 आरोपियों के विरुद्ध में मामला प्रथम दृष्टया दर्ज किया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, 2 आरोपी अभी फरार हैं। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक सानू ठाकुर है, इसके अलावा एक निर्मल है और एक वीरेंद्र है। ये 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। अभी 2 आरोपी भूरा और उसका एक साथी है, वो अभी फरार है। इसमें पूरे मामले को सुलझाने में थाना प्रभारी माधवनगर की पूरी टीम, जो CSP माधवनगर है, इसके अलावा साइबर की टीम और भी, क्योंकि ये घटनाक्रम रात को हुआ था, जिसमें और भी थाना प्रभारी पवासा, चिंतामन और 2IC नानाखेड़ा सभी लोग स्पॉट पर पहुंचे थे और घटना के बाद तत्काल ही सभी पार्टियों रवाना की गई और इसलिए ये पूरा मामला बहुत ही जल्दी सुलझाया गया है। जो अन्य जो 2 आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। घटना का अंजाम देने का कारण क्या है? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके मुताबिक जो मृतक लक्ष्मण है, उसका जो पुत्र कुंदन है, वो उसने 2 दिन पहले ही एक लव मैरिज करके अपने पास में आया था और ये जो मृतक है, मृतक एक टपरिया में, मतलब एक झोपड़ी है जहाँ अन्य आरोपी भी रहते हैं, वहाँ पर उसने 2 दिन से पहले से रुका हुआ था। तो उसकी पत्नी को उसके दोस्तों ने कुछ कहा सुनी, मतलब कमेंट कर दिया था और जब ये आपस में सभी लोग दारू पी रहे थे तो नशे की हालत में आपस में विवाद हुआ, विवाद के बाद झगड़ गए। जब उसका पिता उसको बचाने के लिए आया कुंदन को, उस समय जो पाइप है उसके सर में लक्ष्मण के किसी के द्वारा मार दिया गया, जिसमें उसकी थोड़ी देर में ही डेथ हो गई। और ये इस प्रकार से पूरा एक मामला, जो एक सभी दोस्त थे उसमें से और जो आरोपी हैं, आरोपी भी जो मृतक कुंदन के सभी दोस्त हैं और ये घटनाक्रम आपस में ही दारू पीने के बाद हुई।